दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों को सिखाऊंगा विनिमय नियंत्रण के बारे में, यानी किस तरीके से एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता है देश की सरकार के द्वारा, क्यों किया जाता है, क्या इसके तरीके हैं, क्या इसके आप कह सकते हो प्रकार हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो दो वीडियो के माध्यम से हम आप बच्चों को पूरा का पूरा कंटेंट कराएंगे बच्चों। तो ये वीडियो के अलावा एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। तो आप चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी कोर्स के अंदर जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कोर्स होगा, जहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होगी वहाँ पर ये वाली वीडियो मिल जाएगी आप बच्चों को। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो विनिमय नियंत्रण होता है वो क्या होता है, किस तरीके से विनिमय नियंत्रण किया जाता है। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप जब ये चैप्टर पढ़ें तो आप श्रीलंका का एग्जाम्पल याद रखें दिमाग में। श्रीलंका जो है वो बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में है, पैसा उनके पास बहुत है लेकिन सामान खरीदने के लिए आप कह सकते हो पैसा विदेशी करेंसी नहीं है, यानी कि घरेलू करेंसी को तो जितने मर्जी नोट छाप के आप पूरा कर सकते हो। मान लीजिए अगर हम श्रीलंका का ही रेफरेंस लेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में, कि श्रीलंका के पास नोट छापने की मशीन है, सेंट्रल बैंक जितने चाहे नोट छाप सकती है, लेकिन वो नोट अमेरिका से गुड्स खरीदने में तो काम नहीं आएंगे, वो नोट्स इंडिया से गुड्स खरीदने में तो काम नहीं आएंगे। आप डोमेस्टिकली गुड्स को बाय कर सकते हो लेकिन क्योंकि विश्व जो है, भारत हो, अमेरिका हो, श्रीलंका हो, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए चाहकर भी वो सामान विदेशों से जो खरीदेगा वो बहुत महंगा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब विदेशी करेंसी खत्म हो जाती है, किसी देश के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके, तो उसके पास एक आखिरी सहारे के रूप में काम आता है एक्सचेंज कंट्रोल। हालांकि बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि एक्सचेंज कंट्रोल बहुत ही खतरनाक विधि है और अगर इस विधि का प्रयोग सही से नहीं किया जाएगा तो किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश को डुबाने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसीलिए इस तरीके का जो कंट्रोल पॉलिसी है वो बहुत ही रेयर यूज़ की जाती है। हालांकि दो तरीके के मेथड हैं इसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड तो आम आप देखेंगे भी, आम होता भी है, लेकिन डायरेक्ट मेथड का प्रयोग बहुत लिमिटेड स्थिति में, लिमिटेड समय में किया जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है। देखिए विनिमय दर निर्धारित करने का काम करती है मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से बच्चों समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से विनिमय दर डिसाइड हुई, हम श्रीलंका का केस मान के चल रहे हैं बच्चों। ये मान लीजिए डिमांड है ऑफ फॉरेन करेंसी, ये है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए विनिमय दर डिसाइड हुई, एक के लिए मान लीजिए एक डॉलर जो है वो 200 श्रीलंकी रुपीज डिसाइड हो गया, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है जी। ये विनिमय दर डिसाइड हो गई है और यहाँ पे क्वांटिटी है यहाँ पे। अब स्थिति इतनी खराब है कि बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि अब आपको एक डॉलर का सामान खरीदने के लिए 200 श्रीलंकाई रुपीज करेंसी देनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पूरे के पूरे मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करेगी, यानी कि सरकार कहेगी कि नहीं जी, अब हम एक डॉलर के बदले 200 रुपए नहीं देंगे बल्कि इससे कम या इससे ज़्यादा देंगे। तो इस तरीके का जो मार्केट इंटरवेंशन होता है उसको हम एक्सचेंज कंट्रोल बोलते हैं, यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जो एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं उसको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करने को ही हम एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। यानी कि जब देश की सरकार विदेशी विनिमय दर की का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा नहीं होने देती, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जब एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन नहीं कर पाते और गवर्नमेंट मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करती है, तो उस प्रणाली को, उस तरीके को बोलते हैं बच्चों एक्सचेंज कंट्रोल, और यह प्रक्रिया विनिमय नियंत्रण कहलाती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सचेंज कंट्रोल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो जब डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते और गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तब उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। और एक्सचेंज कंट्रोल
पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। यानी कि पूर्ण आंशिक, पूर्ण क्या होता है, इसके अंतर्गत सभी विदेशी मुद्राओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रतिबंध का मतलब ये नहीं है कि आप ले ही नहीं सकते, दे नहीं सकते, लेकिन जो फ्री बैरियर है उसको मैं अवरोध खड़ा कर दिया, उसको रुकावट खड़ी कर दी जाती है और विदेशी विनिमय पर सरकार का पूर्ण प्रभुत्व हो जाता है। जबकि जो आंशिक होता है इसमें कुछ चुनी हुई करेंसी को कंट्रोल किया जाता है, सारी की सारी करेंसी को कंट्रोल नहीं किया जाता। आंशिक जो होता है विनिमय नियंत्रण वो अल्पकालीन होता है। आमतौर पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, घाटा आ गया है, उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए श्रीलंका का केस ही मान के चलिएगा, क्योंकि एक्सचेंज कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, एक तो है पूंजी का बाहेगमन रोकना, क्योंकि देखिए श्रीलंका जैसी स्थिति आएगी वहाँ पर अब कोई भी विदेशी अपनी पैसा पूंजी लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि विदेशी पूंजी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए होती है क्योंकि विदेशी पूंजी लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं। अब सपोज़ कीजिए अगर सारे के सारे लोग पैसा लेके भाग गए तो सडनली क्या होगा, एक फॉरेन करेंसी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। इस क्राइसिस को रोकने के उद्देश्य से ही एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा प्रतिकूल भुगतान से इसको ठीक करने के लिए, देखिए भुगतान से इस प्रतिकूल हो गया है, एक देश जब $200 हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऐसी स्थिति को में हमारा आयात जो है वो ज़्यादा है, निर्यात कम है, ऐसी स्थिति में प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा हम वस्तु ना खरीद पाएँ, और ज़्यादा वस्तुओं का प्रेशर हमारे ऊपर ना पड़े, इसके लिए भी विनिमय नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा मुद्रा का अधमूल्यन बनाए रखने के लिए, देखिए यहाँ पे आपको समझना अधमूल्यन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि $1 ₹200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, तो देश की तो कब्र वैसे टूट जाएगी, क्योंकि अब उसे ज़्यादा वस्तुओं को, मतलब कम वस्तु खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, या आप कह सकते हो कि कम वस्तु खरीदने के लिए ज़्यादा वस्तु देनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारी टर्म ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव चली जाएगी, विपरीत चली जाएगी, घाटे में चली जाएगी, स्थिति बहुत खराब हो सकती है और हमें विदेशी पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसे कंट्रोल किया जाए और अपनी वैल्यू को हाई बनाए रखा जाए, यानी कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको हाई बनाया जा सके ताकि विदेशी पेमेंट का भुगतान किया जा सके। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही करेंसी की वैल्यू गिरती है घरेलू करेंसी की, अब उसे विदेशियों को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और ये स्थिति किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा विनिमय दरों में जो उच्चावचन होते हैं, जो अप एंड डाउन होते हैं, उसको रोकने के लिए भी कई बार विनिमय नियंत्रण किया जाता है और एक देश की सरकार कोशिश करती है कि एक लिमिटेड विनिमय दर बनाई रही जा सके, इसीलिए मार्केट में वो इंटरफेयर करती है। इसके अलावा विदेशी व्यापार को नियंत्रित बनाए रखने के लिए, जैसे कि आप जानते हो बच्चों, अगर किसी देश को अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना है, अगर कोई देश चाहता है अपने घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई देश चाहता है कि उसके घरेलू उद्योग बढ़े, तो उसको फ्री फ्लो ऑफ गुड्स जो विदेशों से आ रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए भी कई बार विनिमय नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा ये तो चलो ये वाला पॉइंट होगा, घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान कर, विदेशी व्यापार का मतलब है कि विदेशों से कम गुड्स आए हमारे पास में इस तरीके के लिए। इसके अलावा विदेशी ऋण एवं ब्याज को भुगतान करने हेतु, यानी कि अगर हमें विदेशों को ऋण भुगतान करना है, विदेशों को जो ब्याज का भुगतान करना है, अगर विनिमय दर बहुत ऊंची हो जाएगी तो बहुत नुकसान होने वाला है देश को, इसके लिए भी जरूरी है कि इसे कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ घरेलू विकास कार्यक्रम के लिए भी, यानी कि देश के अंदर जो विकास कार्यक्रम है उनको बढ़ावा मिल सके, उनकी एक तरीके से आप कह सकते हो उनको रिसेटलमेंट हो सके, इसके लिए भी विनिमय नियंत्रण करना आवश्यक है। तो बच्चों विनिमय नियंत्रण की जो विधियां हैं उनको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहली विधि जो है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि अप्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में तो क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है, बाजार की शक्तियों को रोक देती है, बाजार में जो क्रय विक्रय उसको नियंत्रित करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए मुझे अमेरिका से कोई गुड्स खरीदनी है, जिस या कार खरीदनी है मान लीजिए अमेरिका से, जो कि $50,000 की आएगी, तो मैं क्या करूंगा, अमेरिका वाले को पैसा दूंगा और $50,000 का जो भी अमाउंट इंडियन रुपीज में बनता है वो मैं दूंगा या डॉलर में दे दूंगा, भारत से डॉलर लेके और अमेरिका से कार खरीद लूंगा। लेकिन इस प्रवाह को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी, एक फंड बना लेगी, कहेगी कि आप क्या करोगे, पैसा हमारे पास जमा कराओगे और फिर सेंट्रल बैंक 30 दिन 60 दिन के बाद अमेरिका को पेमेंट करेगी। तो इससे ये तरीके हैं बच्चों, और भी तरीके हैं वो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष तरीका कहलाता है, यानी कि इसके अंतर्गत सरकार जो है वो विनिमय की क्रय की शक्ति को सीमित कर देती है ताकि विनिमय दर पर सरकार का नियंत्रण
कर सके। अप्रत्यक्ष विधि बच्चों ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें सरकार डायरेक्ट कंट्रोल बाजार को नहीं करती बल्कि कई सारी ऐसी रीतियों का प्रयोग करती है जिसके द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किया जा सके। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए उन टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप है, विनिमय प्रतिबंध है, अवरुद्ध खाते हैं, बहुविनिमय दरें हैं, इसके अलावा विनिमय समाशोधन समझौते हैं, भुगतान समझौते, स्वर्ण नीति, यथास्थिर समझौते, विलंब काल हस्तांतरण, विनिमय समानीकरण खाता। तो ये सारे के सारे जो हैं ये प्रत्यक्ष विधि के तरीके हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष विधियों की बात करें तो ब्याज दरों में परिवर्तन है, आयात कर एवं अभ्यंस है, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात अनुदान है। तो ये तरीके क्या है मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। डायरेक्ट कंट्रोल में तो गवर्नमेंट इसके माध्यम से डायरेक्ट एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर देती है और इसके माध्यम से देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ये मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई, ये मान लीजिए आपका $1 और श्रीलंका का 200 रुपये डिसाइड हो गया और ये मान लीजिए क्वांटिटी है। अब प्रत्यक्ष विधि में तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट डिसाइड कर देगी, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट की जरूरत है उसके हिसाब से काम होता है। नियंत्रण का मतलब तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ही होगा। तो ये तरीका कहलाएगा प्रत्यक्ष रीति। अप्रत्यक्ष रीति में क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, यानी कि या तो डिमांड को बढ़ाया जाने की कोशिश की जाएगी या सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, इस तरीके का जो प्रोविजन किया जाएगा। यानी कि इसमें तो डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है बाजार सिस्टम में, इसमें क्या करती है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को ही चेंज करने का प्रयास करती है। तो बच्चों इसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये PDF नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारी एप्लीकेशन में जाकर इसको व्यू कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर ये हम अपलोड कर देंगे, चाहो तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगली वीडियो के माध्यम से मैं आप बच्चों को ये प्रत्यक्ष रीतियाँ और अप्रत्यक्ष रीतियाँ कैसी होती हैं, क्या है इनके अंदर कंटेंट होता है, वो सबके बारे में हम अगली वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे। आपसे इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।